ने कर निर्देश जारी किया गया। उम्मीदवार हुए पॉजिटिव तो प्रस्तावक जमा करेंगे नामांकन पत्र। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से गुरुवार को चुनाव के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के संबंध में निर्देश जारी किया गया है। राज्य में इस साल के आखिर तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने की तैयारी है। पंचायत चुनाव में भाग्य आजमाने वाले उम्मीदवार अगर नामांकन के समय कोरोना संक्रमित होंगे तो वे नामांकन पत्र अपने प्रस्तावक के द्वारा निर्वाची पदाधिकारी के पास भेजेंगे। किसी भी स्थिति में वह खुद पदाधिकारी के सामने नहीं आएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी को हॉल में बैठाया जाएगा। एंट्री के दौरान अभ्यर्थी या उनके प्रस्तावक में से कोई एक ही रह सकता है। जीत के बाद विजेता कैंडिडेट कोविड-19 के संबंध में सरकार के स्तर से गाइडलाइन के अनुसार ही जुलूस और रैली निकालने की अनुमति होगी। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए बीमार कर्मियों को चुनाव कार्य में नियुक्त नहीं किया जाएगा। गर्भवती महिलाएं, माताओं और दिव्यांग कर्मियों की सेवा भी नहीं ली जाएगी। चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त होने वाले सभी पदाधिकारी कर्मियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य है। मतदान स्थलों का प्रधान चुनाव प्रचार, वोटिंग के दिन केंद्र की व्यवस्था, मतगणना सामग्री का संग्रहण सहित अन्य कार्यों के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल को पूरी तरह से पालन किए जाने पर जोर दिया जा रहा है। मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य बिंदुओं का भी ख्याल रखने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GN भारत।